हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है अपना चैनल पे। तो ऑफिशियल अपडेट है ये रिगार्डिंग योर मास्टर्स एग्जाम पैक एनआईसी रिक्रूटमेंट, जिसमें तीन पोस्ट आए हैं, साइंटिस्ट भी, इंजीनियर, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, उसको हम टारगेट करने वाले हैं। तो आपके मास्टर्स एग्जाम पैक में फोल्डर जो है एनआईसी का अभी क्रिएट हो गया है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी टाइम टू टाइम आपको गाइड करूंगा मैं उधर। अभी जो स्टूडेंट नए हैं चैनल के साथ, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं और उनको पता नहीं कि मास्टर्स एग्जाम पैक क्या है, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि पर्पज क्यों मास्टर्स एग्जाम पैक बना। ओके, तो जैसे कि आपको बताया अभी मिशन मोड चालू है, बहुत सारे रिक्रूटमेंट आ रही है और हर एक रिक्रूटमेंट के लिए आपको मल्टीपल टाइम फॉर्म फिल करना है। डेफिनेटली ये जो प्रॉब्लम है ये जनरल ईडब्ल्यूएस एंड बाकी कैंडिडेट का है, डेफिनेटली ओबीसी का है, बाकी एससी पीडब्ल्यूडी का थोड़ा बहुत कंसेशन मिल जाता है, राइट। तो मेन क्या है कि फॉर्म का जो फी है वो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जो मेन सक्सेस पैक था अपना, जो अभी बन गया है मास्टर्स एग्जाम पैक, तो एक ही टाइम पे आपको फी पे करना है और फिर जितने पॉसिबल रिक्रूटमेंट हम टारगेट कर सकते हैं उतने हम करने वाले हैं। डेफिनेटली इसका ये पर्पस है कि आप एक जॉब पहला, ओके, फर्स्ट जॉब जो आपका सिक्योर कर पाओ। ऐसा नहीं कि बहुत सारे रिक्रूटमेंट आप टारगेट करो, बहुत सारे रिक्रूटमेंट का फॉर्म भरो, नहीं, पहले हम एक जॉब फिक्स करने वाले हैं और फिर आगे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको बाकी रिक्रूटमेंट टारगेट करने हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये है कि पर्पस है। सेकेंड, कंप्लीट गाइडेंस और बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है, जो भी रिक्वायर्ड है आपके स्टडी को सुपर स्ट्रांग बनाने के लिए, सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड है, ठीक है। और मेन गाइडेंस जो है पर्सनलाइज, जनरलाइज, हर एक टाइप का गाइडेंस, जिससे कि सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाए, ये इसमें इंक्लूड होगा। सेकेंड चीज़ जो है कि आपका प्रिपरेशन कंप्लीट होगा, यानी किसी रिक्रूटमेंट को अगर CBT का प्रिपरेशन चाहिए या इंटरव्यू का चाहिए या GD का चाहिए या PI का चाहिए, मतलब कोई भी चाहिए, ओके, तो कंप्लीट प्रिपरेशन, मेन पर्पज क्या है अपना, सिलेक्शन लेना। ऐसा नहीं कि जस्ट आपको मॉक टेस्ट दे दिया और काम हो गया, नहीं। अभी NIC के लिए अपना रिटर्न टेस्ट होने वाला है, CBT होने वाला है एंड इंटरव्यू होने वाला है, तो इसमें IGP भी रहेगा अपना, प्लस रिटर्न के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होगी अच्छा स्कोर करने के लिए, जैसे अपना Q-Box हो गया, बाद में इंग्लिश का ई बुक हो गया, बाद में मॉक टेस्ट हो गए, ओके, बाद में ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी हो गई, बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं आपको देने वाला हूँ, जो रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है सिलेक्शन लेने के लिए, ओके। एंड डेफिनेटली ये आपका फर्स्ट जॉब लेने के लिए आपको हेल्प करने वाला है, और जिनके पास ऑलरेडी एक जॉब है, चाहे प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, और आप स्विच करना चाहते हो, सपोज इन दिस केस NIC में आप जॉब करना चाहते हो, तो भी आपको ये हेल्प करने वाला है। एंड लास्ट जो पॉइंट है वो है कि ये मोस्ट अफोर्डेबल सॉल्यूशन है, क्योंकि आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी इसमें मैंने दी है। 1499 इसका फी है पूरे के पूरे 14 मंथ्स के लिए, मतलब नेक्स्ट 14 मंथ्स के लिए, ओके, 12 मंथ नहीं, 14 मंथ्स के लिए आप मेरे साथ लॉक हो जाओगे और पूरा का पूरा हम ट्राई करेंगे कि कैसे आपका फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब सिक्योर हो पाए, ओके। तो जो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन स्टूडेंट है, आपके मास्टर्स एग्जाम पैक में अभी क्या चल रहा है फिलहाल, वो मैं आपको बताने चाहता हूँ, ठीक है। तो जस्ट अभी समीर रिक्रूटमेंट आया है, इसका भी फॉर्म एक्टिव है, आप भर सकते हो, इसको भी हम टारगेट करने वाले हैं। तो अगर आपने समीर का फॉर्म भरा है तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो NIC के साथ साथ, ठीक है। लेकिन अगेन मैंने बोला था कि NIC इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन के लिए स्पेसिफिकली अलग से आप प्रिपेयर करो, ओके, मतलब अगर आपने समीर का फॉर्म भरा है तो फिर NIC का मत भरो, ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, मैंने पूरे के पूरे गाइडलाइंस, किसको फॉर्म भरना है किसको नहीं, सभी चीज़ें ऑलरेडी बता दिया है, ओके। देन महाजैन को, मतलब महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए एक रिक्रूटमेंट है महाजैन को, उसका हम टारगेट कर रहे हैं ANJEE बोर्ड के लिए, ठीक है, उसका जो प्रोसेस है वो CBT है। देन NIC के सभी पोस्ट, साइंटिस्ट भी, इंजीनियर, STI, सभी पोस्ट को हम टारगेट करने वाले हैं पूरे के पूरे 598 वैकेंसीज को। एंड NTRO, अभी डायरेक्ट का और एक फॉर्म NTRO का एग्जाम जस्ट कैंसिल हुआ, तो वो भी पेंडिंग होगा, ठीक है, इसके साथ साथ NTRO को भी टारगेट करेंगे। नाइलेट STA का जिन्होंने फॉर्म भरा है उसको भी हम टारगेट करने वाले हैं, ओके, वो मैं सेपरेट आपको ऑफिशियल अपडेट में बताऊंगा ही, राइट। तो करंटली ये चार को आप पकड़ के चलो, और IGP मतलब इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जिसमें मैं आपके मॉक इंटरव्यूज लेता हूँ और आपने मॉक इंटरव्यूज का जो रिव्यू है, फीडबैक है, वो देखा ही होगा, आई होप, सिलेक्शन मैनर पे। तो मेन क्या है, मैं आपका इवेल्युएट करता हूँ कि कैसे आपका कॉन्फिडेंस है, कैसे बात करने का तरीका है एंड टेक्निकल नॉलेज कैसा है, राइट। तो उसके लिए KVS का जस्ट अभी एग्जाम हुआ है, KVS का हमने किया है इसमें टारगेट, तो कभी KVS का अभी हम इंटरव्यू करेंगे, ओके। एंड BDL मैनेजमेंट ट्रेनिंग का भी था इसमें CBT, वो CBT कंप्लीट होके अभी उसका हम इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जैसे रिजल्ट आता है दोनों का, स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने BDL, KVS, समीर, महाजैन को, NTRO का फॉर्म भरा है और मास्टर्स में ज्वाइन नहीं किया है तो कंपलसरी आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। अगर NIC का स्पेसिफिक फॉर्म भरा है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो मास्टर्स एग्जाम पैक, ठीक है, ये इसी के लिए है, आप अपना मास्टर्स पैक खुद ही ज्वाइन करो इसी वाला, बाकी कंप्यूटर साइंस या अलग ब्रांच का ज्वाइन मत करो, ठीक है।
बाद में जो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस के हैं तो उनके लिए NTRO टेक्निकल असिस्टेंट जो पोस्ट है उसका अभी ये रिक्रूटमेंट जस्ट अपना एग्जाम कैंसिल हुआ है तो फिर से वो कंडक्ट कराएंगे, तो उसका CBT इंटरव्यू है ऑलरेडी और NIC भी आपका आ गया है। सभी पोस्ट साइंटिस्ट भी इंजीनियर और STA तीनों पोस्ट को हम टारगेट करेंगे, ठीक है। IGP में जस्ट अभी BDL का एग्जाम हुआ है तो BDL मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एग्जाम तो खत्म हो गया लेकिन इंटरव्यू बाकी है तो डेफिनेटली इंटरव्यू भी ऐड होने वाला है, राइट। तो अगर आपने तीनों का फॉर्म भरा है, तीनों को टारगेट कर रहे हो तो मास्टर से पैक आपके लिए है, किसी एक को भी टारगेट कर रहे हो तो भी मास्टर से पैक आपके लिए है, ठीक है। आखिर में मेन क्या है, फर्स्ट जॉब अपना लगना चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना है अच्छे तरीके से प्रॉपर गाइडेंस के साथ, ओके ओके। तो आपको अभी ज्वाइन कैसे करना है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में दोनों मास्टर से पैक के लिंक जो है आपको दिए हैं, ये स्टोर का लिंक है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे, सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स पे किया तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ओपन होगा, कंप्यूटर साइंस के किया तो कंप्यूटर साइंस का ओपन होने वाला है, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ें इसमें मेंशन की है, आपको क्या क्या मिलने वाला है, प्राइस के साथ सभी चीज़ें इसमें प्रॉपरली मेंशन की है। कुछ अपडेशन रहेगा तो वो भी ऐड होता जाएगा टाइम टू टाइम, ओके। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये फीस जो है वो आप देख सकते हो कि 1277 और GST मिला के 230 का GST मिला के टोटल फी होता है आपका 1499 14 मंथ्स के लिए, ओके। और अगर आप सपोज 6 मंथ के लिए लेना चाहते हो तो आप 6 मंथ का ले सकते हो, मतलब 6 मंथ के अंदर जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे, जितने भी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होंगे वो सबको आप टारगेट कर पाओगे एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर, ठीक है। और इधर आप तो देख सकते हो कि 6 मंथ के लिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो 799 का है और बाद में सेकेंड आपका 700 के लिए है। अभी मेन हर बार मैं आपको बोलता हूँ कि 6 मंथ का ही लो, ठीक है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली NIC को जाने वाले हो तो NIC के लिए 1 साल लगने ही वाला है, ओके, भले ही एग्जाम हो या इंटरव्यू हो। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा डायरेक्टली आप पे कर सकते हो 499 का, ठीक है। और अगर आपको सपोर्ट लगता है कि ठीक है 6 महीने का मैं ले लेता हूँ, बाद में देखते हैं ओके क्या होता है, तो फिर आप 6 महीने का ले सकते हो, ओके। और 6 महीने में अगर सपोज आपको 799 अभी है आपके पास, 700 आपको बाद में देना है तो वो भी आप कर सकते हो, आपके ऊपर है पूरा, ठीक है। एक तो फुल पेमेंट भी कर सकते हो, नहीं तो इंस्टॉलमेंट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, 6 मंथ के लिए, और फिर 6 मंथ के बाद अगेन आपको ये पे करना है, ओके। तो ये सेम चीज़ कंप्यूटर साइंस के लिए रहने वाली है, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो अभी। और मेन सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए है कि मेरा जो टारगेट है वो है 50,000 सिलेक्शन, वो सिलेक्शन बैनर जो है, ओके, जो इधर दिए है आपको इंस्पायर करने के लिए कि अगर ये बच्चों का हो सकता है, इन्होंने अगर सिलेक्शन लिया है मेरे गाइडेंस के अंदर तो आपका भी होगा, हर एक का सिलेक्शन हो सकता है, ओके। कैपेबिलिटी हर एक के अंदर है, बस उसको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे क्या करना है, ओके। और उसके लिए ही मैं इधर बैठा हूँ। तो अगर सीरियस हो, प्रॉपर डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ही ये ज्वाइन करो, क्योंकि मेरा टारगेट सेल्स नहीं है बाकी कोचिंग कंपनी की तरह, मेरा टारगेट है सिलेक्शन, ऐसे सिलेक्शन बैनर जो है वो मुझे देखने हैं, ओके। तो अगर आपका भी सेम पर्पस है, सेम गोल है, इसी माइंडसेट के साथ आप ये मास्टर्स से पैक ज्वाइन करने वाले हो, ऑल द बेस्ट।